हेलो गाइज, मैं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए या किसी के लिए भी इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करना है, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए कौन सा ज़्यादा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा सुइटेबल रहेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी ऐप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐप्स को यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनके अंदर ट्राई करके देख रहा हूँ कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या होता है। तो मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूं, हो सकता है आपके और मेरे ओपिनियन मैच ना खाएं, अलग अलग हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं, तो इसमें कुछ भी नहीं करा जा सकता है। और मैं आपको जरूर बताऊंगा भी कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, कि मैंने क्यों उस ऐप को सबसे ज्यादा सही बोल दिया इंडिया के अंदर कि ये ऐप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा सही है। उसके पीछे जो रीजंस हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो के अंदर दूंगा। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से स्पॉन्सर्ड नहीं है, और आप इस चैनल के सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं, तो जो कंपनियां हैं वो मुझे घास भी नहीं डालने वाली कि ले स्पॉन्सरशिप ले ले और हमारी ऐप का प्रमोशन कर दे, आपको पता ही है। तो अगर मैं आपको सीधा बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए एक भी सेकंड में आपको डायरेक्ट बता दूं कि कौन सी ऐप सबसे ज्यादा सही है इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसका नाम है यहां पर CoinDCX मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं काफी सारी 3-4-5 ऐप्स को इस्तेमाल कर रहा हूं और उसमें से मुझे CoinDCX ही सबसे ज्यादा सही लगी है। अब मैं आपको रीजन देता हूं कि मैंने ऐसा कैसे फेंक दिया, ऐसा कैसे डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि CoinDCX सबसे ज्यादा सही है। बाकी काफी सारी ऐप्स है, CoinSwitch, कुबेर है, WazirX है, BitBNS है, SunCrypto है, बहुत सारी ऐप्स है, मैंने सारी यूज भी करी है, लेकिन यहां पर CoinDCX को मैंने सबसे ज्यादा सही इसलिए बताया है क्योंकि देखो, किसी भी ऐप के अंदर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ऐप ढूंढ रहे हो तो उसके अंदर चार चीज़ें बहुत ही तरीके से होनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं उस ऐप के अंदर, बहुत सारा कुछ ठूंसा मसाई करी जा सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें ठूसी जा सकती हैं, लेकिन चार चीज़ें मेन सबसे ज़्यादा स्मूदली काम कर रही होनी चाहिए। नंबर वन, डिपोजिट INR, मतलब आप अपने जो पैसे हैं, जो रुपीज़ हैं, जो आपके पास पैसे हैं, रुपये हैं, उन्हें आप उस ऐप के अंदर डिपोजिट कर सको। वो डिपोजिट करने का जो प्रोसेस है वो स्मूथ होना चाहिए, मक्खन की तरह प्रॉपर होना चाहिए और तरीके से वर्किंग होना चाहिए, हर समय हर वक्त वर्किंग, जब भी आप चाहो तो आप डिपॉजिट तरीके से कर सको, पहला ऑप्शन। दूसरे नंबर पे जो चीज स्मूथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए बाइंग, क्रिप्टो बाइंग। कितनी भी मार्केट में हाइप चल रही हो, कितनी भी मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहे हो, कितनी भी अप डाउन चल रही हो कंडीशन, लेकिन वो जो है, जो ऐप है उसके अंदर क्रिप्टो का बाइंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्रिप्टो जो बाय करते टाइम वो प्रॉपर तरीके से काम करता होना चाहिए। तीसरी चीज होनी चाहिए सेलिंग। यहां पर जब भी आप चाहो, मार्केट में उस क्रिप्टो का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया जिसको आपने कम प्राइस पे खरीदा था, अब उस क्रिप्टो की बहुत ज्यादा मतलब बातचीत हो रही है, उस क्रिप्टो के बारे में बहुत ही ज्यादा, वो क्रिप्टो ऊपर नीचे चल रही है, बहुत ट्रेंड में चल रही है, तब भी आप उस क्रिप्टो को चाहो तो सेल कर सको। कई ऐप्स में एरर लिख के आ जाता है, लोडिंग होती रहती है, कुछ होता नहीं, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो तीसरी चीज, सेलिंग प्रॉपरली काम कर रही होनी चाहिए हर वक्त। चौथी चीज, विड्रॉल, आपका जो रुपए हैं जो आपने उस ऐप के अंदर, आपके जो INR हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी उस ऐप के अंदर हैं, वो आप जब चाहो अपने बैंक अकाउंट में ले सको स्मूथली, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको, बिल्कुल भी तकलीफ का आपको सामना ना करना पड़े जब आप विड्रॉल करने जाओ। तो ये चार प्रोसेस तरीके से काम कर रहे होने चाहिए, जिसमें से पहला जो ऑप्शन है वो डिपॉजिट है। अब आप कहोगे कि यहां पर तो कॉइन जो स्विच कुबेर है उसका डिपॉजिट बहुत तरीके से काम करता है, प्रॉपरली काम करता है, क्योंकि जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो भी ₹100 है और यहां पर बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं NEFT, RTGS या IMPS, तीनों में से किसी से भी। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, यहाँ पर CoinDCX जो है वो मात खाता है सिर्फ डिपॉजिट के मामले में, बाकी जो तीन स्टेप्स हैं इसके अंदर वो तरीके से काम करते हैं, क्योंकि CoinDCX के अंदर आपको पता ही है मिनिमम डिपॉजिट लिमिट ₹500 है, जो कि मैं आपको लिटरली बताऊं तो वो एक दिखावे की तरह है, क्योंकि मैं ₹100 हर बार इसमें डिपॉजिट करता हूं, सक्सेसफुली होते हैं, कोई कभी भी दिक्कत मुझे तो नहीं आई। और यहां पर IMPS का जो लफड़ा है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमदाई है कि IMPS से ही डिपॉजिट करने पड़ेंगे, NEFT RTGS है तो भूल जाओ भाई डिपॉजिट, ये प्रॉब्लम है यहां पर मैं मानता हूं। और इसीलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यहां पर डिपॉजिट जो है CoinSwitch कुबेर में काफी ज्यादा सही है CoinDCX के मुकाबले, लेकिन अगर आप उसके आगे के तीन स्टेप्स की बात करें, सेलिंग और बाइंग और विड्रॉल्स की, जैसा कि आपको पता है फीस और चार्जेस बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल निभाते हैं, मैं आपको लिटरली बताऊं तो बहुत ही जान होते हैं वो किसी भी ऐप की, फीस और चार्जेस, वो ऐप कितना आपसे ले रही है ट्रेडिंग करवाते टाइम, इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो में करवाते टाइम कितनी फीस और चार्जेस लग रही है। तो यहां पर जब फीस और चार्जेस की बात आती है तो यहां पर CoinSwitch कुबेर बिल्कुल हमारी जेबों में बड़ा सा गड्ढा कर देती है, बिल्कुल ब्लैक होल बना देती है उसको। क्यों? क्योंकि यहां पर 0.5% की फीस ली जाती है हमसे कई सारी क्रिप्टोज में बाइंग और सेलिंग करते टाइम, बिटकॉइन में 0.35%
भी फीस ली जाती है, और किसी किसी क्रिप्टो में खरीदते टाइम, क्रिप्टो बाइंग करते टाइम 1% TDS लग जाता है। तो यहां पर फीस और चार्जेस के मामले में ब्लैक होल बना देती है कॉइन स्विच कुबेर। वहां पे कॉइन DCX हर क्रिप्टो से हमें 0.2% की फीस लेती है और 0.1% का TDS सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करते टाइम लेती है। इसलिए मैंने यहां पर कहा था कॉइन जो स्विच कुबेर है, जो कॉइन DCX है, उसे सबसे ज्यादा सही कहा था, क्योंकि चार ही ऑप्शन सबसे ज्यादा मेन काम के होते हैं, चार ही ऑप्शन। क्योंकि आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हो तो जाहिर बात है आप उस क्रिप्टो को थोड़ा बहुत गूगल पे भी सर्च करोगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, नॉलेज लोगे, और आप जब उसके अंदर पैसा डालने के लिए उसके अंदर ऐप के अंदर मतलब उस क्रिप्टो के अंदर पैसा डालने के बारे में सोचोगे, तब आप एक ऐसी ऐप ढूंढोगे जहां पर ज्यादा भले इंफॉर्मेशन ना हो उस क्रिप्टो के बारे में, लेकिन सिक्योरिटी महसूस कर सके हम और प्रॉपरली ऐसा लग सके कि हाँ इस ऐप के अंदर हम भरोसा कर सकते हैं, और पर बाइंग, सेलिंग और विड्रॉल और डिपॉजिट के ऑप्शंस जो हैं वो भी तरीके से हैं। कॉइन DCX में चार ऑप्शन है, उसके अंदर से डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन है पहला, वहां पे ये थोड़ी सी मात खा जाती है, डिपॉजिट में प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यहां पर सिंपल सा है कि आप एक ही बार में थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट वहां पर डिपॉजिट करके रख दें। आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि विड्रॉल का जो प्रोसेस है आपको पता ही है, डिपॉजिट विड्रॉल 0% फीस, 0% चार्ज, कोई पैसा भी नहीं लगता डिपॉजिट और विड्रॉल्स में। तो आप ज्यादा अमाउंट डाल के रख दें और वहां पर विड्रॉल्स आप जब भी चाहें तो विड्रॉल कर लो। मैं लिटरली बता रहा हूं 3 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, आपके जो पैसे हैं विड्रॉल होकर आपके बैंक अकाउंट में वापस आने में लिटरली 3 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, मेरा यकीन मानो, मैंने कई बार कर रखा है और बहुत ही कम टाइम लगता है विड्रॉल होने में। तो सॉल्यूशन इतना सा है, आप एक ही बार में अच्छा खासा अमाउंट डाल के रख दो और वहां पर हर बार डिपॉजिट करने की टेंशन ही खत्म, टेंशन ही नहीं, तो वहां पर जब भी जरूरत पड़े तब उसमें से इन्वेस्टमेंट कर दो, या फिर आपका नहीं मन है तो विड्रॉल कर लो वापस, ये सॉल्यूशन है यहां पर। और अगर मैं बात कहूं WazirX और इन सब की, WazirX पे लोगों का ट्रस्ट वैसे भी कम होता चला जा रहा है, उसके जो फाउंडर्स हैं वो दुबई चले गए हैं, उसका चाइना से कुछ कनेक्शन और वो सब आ रहा है, और यहां पर वैसे भी डिपॉजिट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। मैंने एक बार फेस करा था, मैंने वीडियो भी बना रखी है उसके ऊपर, आप चाहो तो यहां पे देख सकते हो, दर्दनाक है P2P वाला जो ऑप्शन है, कई कबार डिपेंडेंसी सी महसूस होती है, टेंशन सी बनी रहती है डिपॉजिट करते टाइम WazirX के अंदर। तो यहां पर WazirX भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन और सन क्रिप्टो वगैरह पे पता नहीं क्यों मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, और जो काफी सारी एप्स हैं उन पे भी उतना कुछ खास ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वगैरह का मामला है, कोई ऐप झटके से बैन हो गई या चली गई तो दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन DCX पे मैंने अगर फोकस करके बताऊं, यहां पर कॉइन DCX ही मुझे सबसे ज्यादा सही लगती है इंडिया के अंदर फिलहाल। अगर आप इंडियन किसी ऐप का नाम लें तो इंडिया के अंदर कॉइन DCX ही सबसे ज्यादा मुझे तो सही लगती है। आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको कौन सी ऐप ज्यादा सही लगती है, रीजंस मैंने आपको बता दिए कि मैं क्यों कॉइन DCX बोल रहा हूं, क्योंकि फीस और चार्जेस यहां पर एक तरीके से लिए जाते हैं, और बाइंग और सेलिंग चाहे कितनी भी मार्केट में उतार चढ़ाव हो रही हो, स्लाइड करते के साथ ही, कोई लोडिंग नहीं होती, मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है लोडिंग देखनी ही नहीं पड़ती यहां पर, स्लाइड और बाय, स्लाइड और सेल, बिल्कुल कोई तरीके की किसी भी तरीके की लोडिंग वगैरह का फेस ही नहीं करनी पड़ती, ये सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे यहां पर। और विड्रॉल्स में भी कोई लोडिंग नहीं, 3 सेकंड के अंदर विड्रॉल्स बैंक अकाउंट में पैसे वापस, तो ये चीज होती है यहां पर, मुझे इसलिए ये कॉइन DCX सबसे ज्यादा सही लगती है। आप जरूर कमेंट में बताओ आपको कौन सी सबसे ज्यादा सही लगती है, बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हो, हो सकता है आपको कॉइन DCX नहीं अच्छी लगती, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि मैंने कोई पैसे वगैरह, मुझे कॉइन DCX क्यों पैसे देगी, वो तो मुझे घास भी नहीं डालेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स जीतने हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला, अगर मिला इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें भी बिल्कुल ना जाएं, और हमारी वेबसाइट जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है, आप जा सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत, कोई पैसा कुछ भी नहीं लग रहा है यहां पर, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।